अंदर रहा तो नहीं रहा तुम अपनी बिल्कुल है तुम बोल नहीं पा रहे तुम पिट रहे हमने साव उतना मारा तुम्हें हम तुम्हें तुम साव गिरी भूल जाओ अपनी झांसी के किराना बाजार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें किराना व्यापारियों ने पुलिस को सीधे चुनौती देते हुए एक व्यापारी और एक दुकान में काम करने वाले नौकर को बंधक बनाकर उसका जुलूस निकाल दिया। व्यापारी अपने साथ एक हुजूम लेकर ना सिर्फ उन्हें गालियां देते नजर आए बल्कि कैमरा बंद होने पर उसके साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाषगंज किराना बाजार में स्थित लक्ष्मी किराना स्टोर के गोदाम में दुकान में ही काम करने वाले नौकर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में दुकान मालिक कमलेश कुमार अडवाणी ने अपने नौकर को पकड़ लिया और नौकर से पूछताछ की। उसने ये बताया कि उसने चोरी का माल बिजौली के एक छोटे दुकानदार को बेचा है। इस पर दुकानदार व उसके साथियों ने बिना बिजौली चौकी पुलिस को सूचना दिए वो उसके घर पहुंच गए। इसके बाद उसे दबंगई के बल पर बंधक बनाकर उसे झांसी लाया गया। दुकानदार चिल्लाता रहा कि उसने नौकर से कोई सामान नहीं खरीदा है लेकिन व्यापारी उसकी एक मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद व्यापारियों ने कानून का माखौल उड़ाते हुए बिजौली के व्यापारी का सरे बाजार जुलूस निकाला। इसके बाद जब व्यापारी जब यही कहता रहा कि उसने चोरी का सामान नहीं खरीदा है तब चोरी करने वाले नौकर और व्यापारी को सरे बाजार बेइज्जत करते हुए कोतवाली में पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भले ही नौकर ने चोरी की हो सकता है कि व्यापारी ने माल खरीद भी लिया हो लेकिन इस दबंग व्यापारी को यह अधिकार किसने दिया कि वो किसी व्यापारी को शक के आधार पर उसके साथ इस तरह के सामाजिक बेइज्जती करे। क्योंकि सूत्रों की माने तो नौकर द्वारा की गई चोरी के सीसीटीवी फुटेज दुकान में हो सकते हैं लेकिन व्यापारी ने चोरी का माल खरीदा इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं थे। वहीं सबसे बड़ी बात यह थी कि यदि चोरी हुई थी तो उसकी शिकायत पुलिस से की जानी चाहिए थी, उस साक्ष्य को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया बल्कि एक नौकर के साथ एक व्यापारी को सार्वजनिक तौर पर उसे तालिबानी सजा दी गई, वो भी व्यापारियों के द्वारा। ये तस्वीर न सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बल्कि कोतवाली पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है कि आखिर उनकी लापरवाही से झांसी शहर में बेखौफ दबंग व्यापारियों ने एक असामाजिक कृत्य को अंजाम दिया है। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।